हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक। मैं हूँ दा पोड एनपीसी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी गॉड ऑफ वॉर की रैग्नारॉक सीरीज़ में, जिसमें आई थिंक फिफ्थ वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जो थर्ड रिग, जिसको हमें डिसेबल करना है। फिर उसके बाद हम लोग टर्लिन के घटिया से घर में वापस जाएंगे और उस घर से आगे बढ़ेंगे और अपने एनिमीज़ को हराएंगे, जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था लेकिन हम लोग छोड़ के आ गए थे क्योंकि ऑब्वियसली हमारी फट गई थी। तो चलो आज ये कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग को स्टोरी कहाँ ले जाती है। ओके, तो बहुत सारे एनिमीज मुझे सुनाई दे रहा है। अरे अरे, आ गए। बहुत सारे एनिमीज सुनाई दे रहा है, ये बहुत क्रीपी है। अरे छोटे छोटे या बिल्कुल भागते हैं यूं, सुन सुन सुन, साई साई भाग रहे हैं। And do what? Their newly built forges poisoned the soil of Svartalfheim. Unable to grow their own food, they had to buy it from Asgard. If they stopped working, they'd be taking food out of their own mouths. बात तो सही कह रहा है मिमी अपना, लेकिन बहुत ही घटिया चीज है ये तो यार, देखा जाए तो। चलो, लेकिन कहना पड़ेगा यार, ओडिन ने क्या दिमाग लगाया है। हाँ, ऊप्स, इसको हमें नीचे करना पड़ेगा क्या? कूद गया, चलो नहीं करना पड़ा, नीचे बच गए। ओके, यहाँ से जाना है हमको आई थिंक। एड्रेस आ जा। तो ओडिन ने क्या किया, इनको पहले माइन कराया। स्वार्टलफाइम एक तरह का स्टील है जिसकी वजह से यहाँ की सॉइल पूरी तरह से ख़राब हो गई। और सॉइल एक बार जब ख़राब हो गई, देखते हैं इसमें क्या मिलता है। सॉइल एक बार ख़राब हो गई तो ये लोग अब खाना नहीं उगा पा रहे। हाँ देखा तुमने, एसिड ये फेंक रहे हैं इस तरह के। वन ऑफ तो कॉम्बैट अरेना है तो गए थे हम, लेके फिनिश नहीं किया था क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक स्ट्राइक करने से। चलो फिर क्या, कोई बात नहीं। फेवर्स द क्रूसिबल स्टार्टेड। ये बहुत ख़राब आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है? कुत्ते पागल हो जाते हैं तब ऐसे भौंकने की आवाज़ आ रही है। चलो देखते हैं आगे क्या है। हाँ, वहाँ कैसे जाऊँ? वेट अ मिनट, इसको घुमाना होगा आई थिंक। अरे इतने बहुत 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 क्रीपी एनिमीज हैं ये। ये एनिमीज ना मिले तो ज़्यादा बेहतर है। बड़े वाले एनिमीज ना दिखते हैं, ये तो दिखते भी नहीं हैं। ये कहाँ है? ओके, तो यहाँ से हम इसको फेंक देते हैं, अगली बार आने में आसानी होगी। ये क्या है? ये क्या है? कुछ कुछ नीचे गिरा, कुछ नीचे किसी तरह की चीज़ गिरी है। इम्पोर्टेंट लग रही है क्या? कुछ है अभी कि मैं ऐसे ही देख रहा हूँ? एक बार ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट हो, लौटते वक्त हम लोग मिस ना कर दें। क्योंकि ये फोर्ज्ड आयरन तो ये आई थिंक हैक सिल्वर से ज़्यादा रेयर है, तो ऑब्वियसली इट्स अ प्लस, हम लोग ने चेक कर लिया। ओके, अब हमें कहाँ जाना है? ऊपर चढ़ जाते हैं और आई थिंक हमको एनिमीज मिलेंगे अब ऊपर। इतनी आसानी से हमको तो बंद करने नहीं देंगे ये लोग। और ये सबसे बड़ा लग रहा है मुझको, ये माइनिंग रिग। हाँ वेट अ मिनट, लग ही रहा था मुझे। ओ तेरी, ओ Yeah.
भागो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, हाँ इधर आओ, हेल्प 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 इसको निपटा दूं मैं होपफुली, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा निपटा दे फाड़ दे मैं तुम लोग को पता हो शायद नहीं पता हो, लेकिन यूके में ना ये चाकू मारने वाली बहुत वारदातें हो रही हैं। तो पता नहीं कि जब भी क्रेटोस एक गले में मारता है और फिर उसके बाद पक पक पक, मुझे हमेशा यूके की याद आ जा रही है। यूके में क्योंकि गन मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन पता नहीं क्यों गन नहीं मिलती है, तो वहां के लोग चाकू से ही काम तमाम कर रहे हैं सबका। मतलब चाकू से किसी का मर्डर करना यार बहुत ज्यादा हमने रोक दिए। Call so meager a task done. A wee drop out of the Asgardian occupational bucket. Oh. You must live with your deeds, but do not be troubled by them, brother. Oh, and why not? तो मतलब एस्गार्ड का कुछ मतलब पड़ेगा ही नहीं. Do not blame yourself for failing to solve it. I'm sure the dwarves would feel differently. This doesn't fix things. No. ये इसको नीचे नहीं. अभी तक हमने बिना अपग्रेड किए इतना आगे बढ़ गए हैं, तो उसको भी अपग्रेड करेंगे भाई। लेकिन अपग्रेड करने के बाद देख रहे हो तुम हेल्थ, देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई है हेल्थ, हेल्थ का जो मीटर है। और मैं कह रहा था यार भाई कोई आदमी कैसे किसी को चाकू मार के मर्डर कर सकता है यार, मतलब ह्यूमन ही नहीं है, इनह्यूमेन वे है ये तो। ओके आई थिंक इसको घुमा देते हैं वहाँ कुछ मिल जाए हमें, थोड़ा सा और। हाँ वैसे किसी भी तरह से मर्डर करना इनह्यूमेन ही होता है, किसी भी तरह का मर्डर जस्टिफाइड नहीं होता है, लेकिन यार भाई मतलब इतनी डेवलप्ड सोसाइटी है, इतनी डेवलप्ड सोसाइटी है यूनाइटेड किंगडम की, फिर भी यार इतने ज़्यादा इनह्यूमन तरीके से लोग मतलब चाकू से मारना बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन है। मतलब आइसिस किया करता था इस तरह की हरकतें, चाकू से गला काटना, समझ रहे हो, आइसिस किया करता था इस तरह की हरकतें, इस तरह की मेंटालिटी नॉर्मल लोगों में है वहाँ के। वैसे क्या ही बोला जाए, इंडिया में भी आज मैं न्यूज़ देख रहा था ऐसे, इतनी जल्दी, वैसे क्या ही बोला जाए, इंडिया में भी कौन से लोग कम हैं। अभी दो दिन पहले न्यूज़ देख रहा था तो एक आदमी एक लड़की को किसी तरह से कार में मतलब एक्सीडेंट हुआ, कार के नीचे वो लड़की फंस गई और फिर उसको घसीटता हुआ ले गया 10 किलोमीटर आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, गलत भी हो सकता हूँ। देखो इसको मेरे को ओह वो क्या है, वो किस तरह का स्टैचू भाई, अरे मछली आ गई, तुमको मछली दिखी, अभी तक मछली नहीं दिखी थी अपने को, अभी एक मछली दिखी थी अपने को। तो यार मतलब हाँ अभी यही थी तो, देख रहा वो क्या है, That's a big statue. किसका स्टैचू है, बस थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं फिर उसके बाद स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ओके वो क्या है, अरे भाई साहब Yeah!
और ब्लेड्स ऑफ चेओस की यही चीज अच्छी लगती है मुझे, एक साथ मल्टीपल एनिमीज को एंगेज करना। अरे अपने आप को पोजीशन कर रहे हो तुम? रुको फेंक रहा हूं तुम्हें। अरे 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 भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? हाय अरे उसको अच्छा बहुत फेंक रहे हो तुम। कहाँ गया? इनको पहले निपटा दूँ। तुझको तो मैं फोड़ूंगा। आ रहा हूँ मैं तेरे पास ही आ रहा हूँ। हाय निपट गया। ये क्या है? कुछ नहीं है, मरा पड़ा है। तो कुछ इन्होंने रिसोर्सेज नहीं गिराई हैं, केवल वो हेल्थ गिराई हैं इन्होंने। चलो कोई बात नहीं। अरे ये बहुत बहुत आरामी पीस है ये, देखना। ये बहुत आरामी पीस है, देखो। ये अब नहीं निकलेगा, पीछे खड़ा हूँ ना मैं इसके, अब निकलेगा ही नहीं। हाँ देखो तुरंत निकला, तुरंत। आई थिंक हम लोग का खेलने का जो तरीका है ना काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि हमारी हेल्थ जा ही नहीं रही है, वो बिना अपग्रेड किए सब हो रहा है। ठीक है तो एफ आर उल्टा एफ जो भी है सीन, पहले इसको देख लेते हैं। First time someone's told me that, I suppose. क्या है? Mind your breath. Could be referring to the polluted air of the bay or your warning against freaking gale of Odin. Both equally likely in my opinion. हाँ ठीक है यार। I think. मारो इसको। Oh shit. I think क्योंकि ड्रैगन से हमारी फाइट तो होती है लेकिन ड्रैगन हमें दिखा नहीं अभी तक। I think किसी तरह का okay. अच्छा वहां पे है, ठीक है। हमने गलती कर दी क्या इसको फोड़ के? शायद हमने कोई गलती कर दी, नहीं की होगी तो देखते हैं। ये क्या है? नहीं मुझको ओके, ये क्या है? ओके ये तो हेल्थ है। बीस्ट स्क्रैप्स, इसको भी नहीं तोड़ पा रहा हूं मैं। डेड, ये ड्रैगन है शायद किसी तरह का स्केल्टन। भाई साहब कितना बड़ा ड्रैगन स्केल्टन है। इसको मैं फ्रीज कर सकता हूँ? इसको नहीं फ्रीज कर सकते तो मैं उसको वन ऑफ थ्री सील्स डिस्ट्रॉयड। ठीक है तो सील डिस्ट्रॉय करनी है हमको। ओके okay.
सील डिस्ट्रॉय करनी है हमें। देखते यहाँ कुछ आवाज़ आ रही थी, किसी तरह की आवाज़ आ रही है इधर से। यहाँ पे है क्या सील? ना, ये हेल्थ से आ रही है आई थिंक, पूरी हेल्थ है ना ये, तो ये ऐसी आवाज़ कर रहा है। और सील कहाँ है जिसकी मदद से मैं, ओके यहाँ पे हैक सिल्वर मिल गया हमको शायद थोड़ा। आई थिंक हमको ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसकी मदद ले सकते हैं क्या किसी तरह से? इसकी मदद भी नहीं ले सकते, इसको बस तोड़ सकते हैं। तो मतलब क्या है इसको तोड़ने का अगर हम किसी तरह से इसको यूज़ नहीं कर सकते? अरे चुप कर ओए, यहाँ ऊपर चलते हैं शायद वहाँ पे हमें सील मिल जाए। कहाँ पे? एक मिनट, एक सील तो वहाँ पे है, दिख गई मुझे। ये क्या है? है क्या वो? लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा जो हमारे फ्यूचर में काम आएगा। स्पेशल इक्विपमेंट, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है स्पेशल इक्विपमेंट के बारे में। ओके तो आई थिंक और ये फोड़ दिया हमने दो सील, ठीक है दो सील फोड़ दी, तीसरी सील कहाँ हो सकती है? तीसरी सील कहाँ हो सकती है? ऊपर जाने का रास्ता बना है तो ऊपर जाने का रास्ता होना चाहिए, लेकिन वो तो स्टैचू की तरफ जाता है। थोड़ा देख लेते हैं तीसरी सील कहाँ हो सकती है। एक मिनट, हाँ तो वो काम आ सकता है अपने। लेकिन उसको नीचे कैसे लाऊं मैं? उसको नीचे कैसे लाऊं? कहां जाऊं कि वो नीचे आ जाए? साले इसको मैं बताऊं, आ बेटा भाग गया। बहुत आरामी पीस है ये। क्या हम वहां से जा सकते हैं क्या? थोड़ा हम लोग दूर से देखते हैं, शायद हमको बिगर पिक्चर दिखे। दिख रहे हो ना? वो किसी ना किसी तरीके से जंप करने का तो है, ये तो मुझे पता है, लेकिन उधर पहुंचा कैसे जाए ये मुझे नहीं पता। और ये सील तीसरी कहाँ है जो इनने छुपा के रखी है, जो मुझे दिख नहीं रही है? ये नहीं टूट रहा। इन्होंने तीसरी सील कहाँ छुपा के रखी है? तीसरी सील कहाँ छुपा के रखी होगी इन्होंने? तीसरी सील कहाँ छुपा के रखी हो सकती है इन्होंने? यहाँ से ऊपर चढ़ने का भी रास्ता नहीं है। होपफुली इधर तो नहीं है, इधर भी नहीं है। भाई तीसरी सील नहीं मिल रही मुझको, इसको तो देख लिया था मैंने, फोड़ दिया। ये तो ड्रैगन है, मतलब ड्रैगन का स्टैचू है, होपफुली ये ड्रैगन ना उड़े आए। और तीसरी सील तो मुझको दिख ही नहीं रही है, या तो मैंने मिस कर दी, देख ही नहीं पाया। तुम लोगों ने देख ली हो तो यार बताना, मुझे लगता है तुम लोगों ने देख ली होगी। और तुम लोग बोल रहे होगे कि अबे वहाँ है, वहाँ वहाँ देख, वहाँ यहाँ देख यहाँ, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ भाई। बात तो वही है, नहीं ओए सील दिखा दे। क्या यहाँ पे है सील? नहीं,
कहाँ है सील तीसरी? ऊपर जाना है हमको किसी तरह से, मुझे लगता है, पता नहीं क्यों। इसकी हेल्प ले सकते हैं? नहीं, ये तुमने फोड़ दिया। और इसकी हेल्प से करते भी क्या है? ऊपर जाना है वहां हमें। अरे यार, कमॉन कमॉन कमॉन, कुछ तो दिख जा। छुप छुप के बैठी है क्या? छुपा के रखा है। एक और सील, बस एक और। नहीं दिख रहा, कहीं पीछे छुपा के रखी है क्या? ये क्या है? ये क्या? नहीं, ये नहीं है सील। हट जा मेरे रास्ते से। यहाँ छुपाया? नहीं, यहाँ कहीं दोबारा छुपा दिया क्या? दो दो सील छुपा रखी थी क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ से भी नहीं दिख रहा। ये तो काफ़ी छुपा के रखा था, मतलब पीछे से मेरी नज़र पड़ गई वो, तो वरना मैं नहीं देख पा रहा था। यहाँ कहीं छुपा रखा है? नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ छुपा रखी है तीसरी सील? आई थिंक हम लोग को ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना चाहिए, बहुत देर से हम ढूंढ रहे हैं। चलो चलते हैं, कोई मतलब नहीं है इतनी देर से हम सील ही ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। क्या मतलब इतनी देर से सील ढूंढ रहे हैं? ना मिल, बाढ़ में जा, नहीं करेंगे अपग्रेड थोड़ा। चलो वापस निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी में। देख रहे हो ना, फिशेस आ गई हैं अब। अभी फिशेस थी नहीं यहाँ पे। और हमको कुछ मिला? क्या मिला देखते हैं। स्लैग डिपॉजिट सा। वापस चलते हैं उस खड़ूस डर्लिन के पास। यहाँ पे हम गए अभी? गए हो ना गए हो बाद में देखा जाएगा। अपने डर्लिन को पहले सबक सिखाना है। डर्लिन बाबू आ गए हम। मैं कसम से ऑप्शन दे रहा होता तो मैं निपटा भी देता डर्लिन को। बहुत बदतमीजी से बात की, लेकिन फटी हुई है ना उसकी बात। ये भी है। हाँ, बोलो कुछ। अबे इक्विप नहीं कर रहा है लिविआथन एक्स। इनका काम क्या है आखिरकार? चुपचाप चलो, चुपचाप। अरे खोट डाला रे, खोट डाला, खोट डाला रे, खोट डाला, खोट डाला रे, खोट डाला। भाग गया। हाय, भागो 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 भागो। हाय तुम, तेरी ये मजाल, तेरी ये मजाल। एक मिनट, मर गया क्या? मर गया। खोद दिया, भागो। अरे बहुत सारे आ गए, ऊपर जा रहा हूं मैं थोड़ा।
ऊपर जा रहा हूँ, भाई को सबक सिखाना पड़ेगा ना। अबे तुम्हारी ऐसी तैसी, अबे भागो। बिहाइंड मी, अबे रुको जरा, ये बहुत परेशान कर रहे हैं। हेल्थ ले लेता हूँ पहले, बाद में देखूंगा। अरे ये क्या है, भागो। भागो 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 भागो। बहुत सारे हैं, ठीक है। काफी इंटेंस थी ये फाइट। चुप का, चुप कर जा। नहीं ओके। हाँ Not everyone uses axes and arrows to fight. Okay, the quest for Tyr, reach the mine beyond the mountain. ठीक है। ओह, तो डर्लिन ने हमको मैप दे दिया एक्चुअली में। वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता क्योंकि उसके पास डिफेंड करने की ताकत नहीं है, बस इतना ही रीजन है। ओके, तो यहाँ जाना हमें। पहले हम सब कलेक्ट कर लें इतना सब कुछ जो हमने लूटा है, लूटा नहीं है लेकिन अभी तक हमने जो कलेक्ट करने के लिए अवेलेबल कराया अपने लिए। भाई साहब इतने इतने सारे ओपोनेंट से लड़े हैं, थोड़ा तो क्रेटोस को माल पानी मिलना चाहिए। कुछ है यहाँ पे, ये तो डर्लिन वाला ही है। बस गेम काफ़ी सही है एक्चुअली में, ग्राफिक्स भी काफ़ी सही है, बस एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी ना वो ये चीज़ कि काफ़ी वाइट, काफ़ी ज़्यादा वाइट है। देख रहे हो ना, ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही है, थोड़ी ब्राइटनेस कम रखते ना तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता। ओके, देखते हैं क्या मिला हमको। अच्छा ये वहाँ पे भी था, हमने देखा नहीं था। थोड़ा ब्राइटनेस अगर कम रखते तो ज़्यादा बेटर रहता, और थोड़ा कलर करेक्शन में कॉन्ट्रास्ट वॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देते बस तो काफ़ी बेटर लगता ये गेम। अभी काफ़ी वॉश्ड सी फीलिंग आ रही है, जैसे मैं अभी खेल रहा हूँ ना तो रिकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली तुमको कन्वर्ट करके ही मैं दिखाऊँगा, बिना कन्वर्ट करके दिखाया तो तुम लोग मुझको गाली दोगे। लेकिन अभी मैं खेल रहा हूँ ना तो अभी भी ऐसा ही लगता है, काफ़ी वॉश्ड से फीलिंग आ रही है। तो हल्का सा मुझे ये डाउनफॉल लगा ये गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक का पीसी में, जबकि मुझको बिल्कुल मज़ा ही आ गया खेल के। पीसी में जो क्वालिटी आ रही थी ना, तुम लोग देख लेना, मैंने लाइव स्ट्रीम की हुई है, तुम लोग देखना
पीसी में जो लाइव स्ट्रीम की क्वालिटी है और जो अभी की लाइव स्ट्रीम मतलब जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है कुछ, चलो देखते हैं पहले क्या है यहाँ पे। ये बहुत ही खराब लग रहा है यहाँ तो, ये किसी तरह का पिलर है क्या है? हाँ ट्रेन, कहाँ है ट्रेन? अच्छा ये ओके ओके, छुपा के रखा था इसको भाई, मैंने एकदम से चौंक गया, ट्रेन कहाँ से आ गई यहाँ पे? ठीक है, काफ़ी रिसोर्सेस कलेक्ट कर लिए भाई, काफ़ी रिसोर्सेस, बहुत भयंकर अपग्रेड मार सकते हैं अब हम। ये क्या चीज़ है? आई थिंक ये हमको कहीं ना कहीं से ट्रैवल करने का रास्ता बताएगा। हाँ वहाँ तो नहीं जा पा रहा मैं, और वहाँ कुछ है, गेट है मुझे लगता है बस, और कुछ नहीं। यहाँ तो हम आ चुके थे। ओके ठीक है, कौन चिल्ला रहा है इतना खतरनाक? चलो जो चिल्ला रहा हो देखते हैं ऊपर जाके माउंटेन में। चलो चल मेरी गाड़ी, ठुक ठुक ठुक, कूल। बाहर का देखा वे, अंदर का देख के क्या ही करेंगे। अबे बाहर का दिखाओ, चलो Galahorn. There are few things so dangerous in a man as lack of doubt. अच्छा तो हाइमडाल ने उसके सर पे अपना नाम ही पूरा छाप दिया, वो आग से छापा होगा ऑब्वियसली, तभी निशान पड़ा होगा, टैटू नहीं करवाया होगा उसने अपने आप से। वाई द क्वेस्ट फॉर टेर, और ये आ गए अपने हट, पहली बार में When the compass turns gold, an area objective is somewhere in the area, search the area for clues. Again, हमको सर्च करना है। Dies of Odin, Raven skill, हाँ तो उड़ती हुई रेवन को पहली बार हमने ट्राई में मार दिया। नहीं नहीं, पिछले 2018 में भी हमने काफ़ी ट्राई करने के बाद लास्ट में एक रेवन को मारा था हमने उड़ते हुए डायरेक्ट। हाँ He may have it. Okay, तो क्रेटोस रेडी है ओडिन से लड़ने के लिए, अगर ओडिन लड़ता है तो, वरना नहीं लड़ेगा। मकड़ी है तो किसी को तकलीफ ना दे इसलिए मैंने सोचा। अरे ये तो इंडिया में आगे लग रहा है, राजेश लव्स कमला। ओके एक और चेस्ट जिसका हमें नहीं, बहुत स्पेशल ये चीज गलत बात है, पहली बार में ऑप्शन दे दो। एक वो है दो तो मिल गए। हाँ जिसमें हमें स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए उसमें हमको तुरंत तुरंत दिख गए। अरे यार चढ़ सकते हैं क्या राजेश लव्स कमला में? ना हेल्थ ले लो। ये कहाँ, ओ भाई सो रहा है, उसको सोने दो, वापस सो ले भाई। नहीं Oh, is that a Draki? What happened here? Use caution. मर गया क्या? You think? Yep, definitely dead. ओए उठ, खड़ा होगा तो मेरी बैंड बच जाएगी। भागो अबे, अबे
Oh! अबे भाई साहब ये तो बहुत ओपी है बहुत। अबे अबे हेल्प चाहिए हमको। हाँ ये तो बहुत खतरनाक है बे। अबे अब हेल्थ बहुत कम बची है। मर गया बे मर गया मर गया मर गया। नहीं बे मर गया। शिट अपग्रेड कर लेना चाहिए मुझे लगता है। थोड़ा सा अपग्रेड कर लेते हैं। रुक जा रुक जाओ रुक जाओ मेरे क्रेटोस भाई रुक जा। पानी फेंका क्या? अबे ओके हम लोगों ने काफी हेल्थ बर्बाद कर दी इसके में। हमको टाइम करना पड़ेगा अपनी डिफेंडिंग क्योंकि ऐसे ओ अरे यार स्पार्टन फ्यूरी लेंगे हम थोड़ी देर में लेंगे। आधी से ज़्यादा हेल्थ इसके पहले मैं ऐसे ही ले लूँगा और फिर उसके बाद हम स्पार्टन फ्यूरी लेंगे तभी हम लोग इसको डिफीट कर पाएंगे बिना किसी अपग्रेड के। आ वॉच आउट बोला ट्रेयर से। चलो ओके ठीक है बच गए। अबे पकड़ लिया बे। ठीक है अब काफी हेल्थ चली जानी चाहिए इसकी। अब हमारे पास चांस है इसको बीट करने का। इसको बीट करने का चांस है हमारे पास। पकड़ लिया फिर तो शिट। अबे डिफेंड करने के चक्कर में इसको डिफेंड करने के चक्कर में काफी हेल्थ चली गई थी हमारी। अबे मुंह पकड़ लिया। अबे अबे बच गए। ओ भाई Stay on your guard. There could be others around. Dragon tooth मिल गया हमको। क्या काम का है कोई पता नहीं है लेकिन dragon tooth मिल गया हमको। Flames of anguish अच्छा ठीक है। ये काफी सारी चीज हमने अनलॉक कर ली है। लाइट ट्यूनिक अटैक भी अनलॉक कर लिया है। ओके सब अपग्रेड करेंगे भाई सब अपग्रेड करेंगे। Was there aggression that got them both killed? तो इनके अग्रेशन की वजह से ये मर गए।
कुछ और नहीं है यहाँ पे? और यहाँ डुबकी लगा लें तो थोड़ी सी फ्रेश हो जाऊंगा थोड़ी सी। ये हेल्थ पड़ी हुई है, बस एक बार यहाँ वहाँ घूम लेता हूँ, कुछ शायद पड़ा हुआ मिल जाए। फ्री का माल नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि हिचकी आ रही है। ओके, अरे वाह, हिचकी मत शुरू हो जाना। हाँ, वो क्या पड़ा हुआ है? हाँ मैं भी देख रहा हूँ क्या है। न्यू आर्टिफैक्ट फाउंड, थिंग्स लेफ्ट बिहाइंड। बारीज ग्रेनेड। बारी द डॉफ स्पेंट हिज एंटायर लाइफ बिल्डिंग द ग्रेट मीड हॉल नोन एज लेयर, ब्रिक बाय ब्रिक, स्टोन बाय स्टोन। ही बिल्ट इट एज वाइड एंड एज टॉल एज ही कुड सो दैट द सॉन्ग्स एंड मेरीमेंट ऑफ द डॉफ्स कुड इको विद इन इट्स वॉल्स अंटिल द एंड ऑफ द टाइम। ही वॉज ओनली अ फ्यू डेज वर्क फ्रॉम कंप्लीटिंग इट व्हेन द इन हर यार अराइव्ड। They demanded Lear's use as a temporary barracks. That same night, Barry the Dwarf hurled stones, grenade at the super cornerstones of his life's work, collapsed the entire bloody thing on top of himself in a matter of hours. Bye. Dedication है बंदे ने, इज्जत पे आ गई तो उसने सीधे निपटा ही। एक मिनट, ग्रेनेड हम यूज कर सकते हैं उसको फोड़ने में? इसको फोड़ने में नहीं यूज कर सकते क्या ग्रेनेड? ग्रेनेड कैसे इक्विप करना है? नहीं, ग्रेनेड कैसे इक्विप करना है भाई, क्योंकि हमारे पास ग्रेनेड है, क्यों ना हम इक्विप कर लें उसे। एक मिनट, अट्रेस कहाँ जाना है बताओ, कुछ हेल्प दो, कुछ क्लू दो। वापस अट्रेस तो बीचों बीच चला गया, करें क्या अब हम? वेट अ मिनट, वहां जाने का रास्ता है क्या? आई थिंक किसी तरह का रास्ता है। हाँ ऑफ कोर्स, छुपा के रखा है बिल्कुल ऐसी जगह रास्ता, देख के ही पता चल रहा है कि मतलब ऐसे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जाना है। एक्सप्लोर करो खुद और समझ लो। अट्रेस वहाँ भाग रहा है, इसका मतलब हम यहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलना ही था। मैं 35 एक्सल्वर, ओके, ये तो नई जगह है बे। Atreus. ये तो नई जगह है। और ये है क्या? Forge ahead. Unintended, I imagine. Forge ahead could be a light-hearted jape or another expression of the dwarves' resentment of Odin's group of Svartalfheim. Is progress truly progress if made under an oppressor? True. उठा लेते हैं, काफी कुछ है यहाँ तो एक्सप्लोर करने के लिए भाई साहब। ओके, तो सब कुछ ले लेते हैं फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। और कुछ? ओके, हेल्थ मिल गई हमको यहाँ पे। ओके, ये तो हम भूल ही गए थे, किसी तरह का स्क्रोल है। डियर ओवरसीयर, इट इज़ विद शेम एंड सैडनेस दैट आई मस्ट रिपोर्ट दैट आई विल बी अनेबल टू मीट योर रिक्वेस्टेड कोटा फॉर दिस सीजन। आई एम अनेबल सिंपली अनेबल टू फोर्ज आर्मर ऑफ द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ रिक्वेस्टेड। द फोर्ट ओवरसीयर कहीं हैमडाल तो नहीं था यहाँ का? द फॉल्ट फॉर दिस ऑफकोर्स इज माइन अलोन। आई एम वेरी मच होप दैट इन माई ओनियस ऑफ दिस फैक्टर मैं इंक्लाइन यू टू शो सम डिग्री ऑफ लीनियंसी एज इट एंड आउटपुट हैज इनिशियली रिड्यूस सिंस द इंजरीज आर सस्टेन्ड आफ्टर प्रीवियसली फेलिंग टू मीट योर कोटा। एंड आई वुड आर्ग्यू रिस्पेक्टफुली एज ऑलवेज दैट फॉर द फिजिकल पनिशमेंट वुड ओनली फॉर द हार्म माई प्रोडक्टिविटी आई गिव अ रिस्पॉन्स। फक भाई, ये ओडिन गॉड है लेकिन गॉड की तरह हरकत नहीं कर रहा है ओडिन बिल्कुल भी। ये भी लॉक्ड है, बहुत सारे गेट्स जो लॉक्ड हैं अभी, इनको हम बाद में देखेंगे। हमने काफ़ी कुछ कलेक्ट भी कर लिया वैसे भी। चलो चलते हैं वापस।
आई होप, अरे नहीं फिर से हमको एक्सप्लोर करना है एरिया। नहीं यहाँ पे तो आ चुके हैं हम, उठा लेते हैं। ये क्या है? कुछ नहीं है। चलो अब हमको नीचे ही जाना है बस। हम ऊपर आए किस लिए थे फिर? आ बच गया। नहीं ओए कूद नहीं रहा यहाँ से, कूद नहीं रहा यहाँ से, यहाँ से जाना होगा। यहाँ से कूदेगा क्या? नहीं कूदेगा। चलो ठीक है, तो एक और ट्रेन मिल गई हमको। आ The wretches keep coming from that pillar. Looks like a nest. Destroy the nest. They might keep coming. हाँ डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके ये क्या है लेकिन? इसी को मारा था क्या हमने? नहीं यार ये तो बहुत, नहीं वो तो नीचे था, हम तो ऊपर चढ़ाए। ओप्सी डूप्सी। ओके तो हम आ गए हैं, लेकिन हमको ग्रेनेड तो मिला था। फिक्स द ब्रोकन ट्रेन, ठीक है हमको ग्रेनेड मिला था, उसका ग्रेनेड का इस्तेमाल करके हम लोग उसको, वो जो बीच में पड़ा हुआ था उसको उसको उड़ा देते और घुस जाते। ठीक है और ओके तो वहाँ पे एक तीसरा, वो जो हम मिस कर दिए थे ना, जहाँ पे हमने दो ठो रून ढूंढ लिए थे, एक चेस्ट जिसमें हमको तीन रून ढूंढने थे और उसमें दो रून तो हमने ढूंढ लिए थे, तीसरा वहाँ पे देखा था, वहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, वहाँ पे किनारे बिल्कुल हल्का सा लेफ्ट साइड में था। We're so close, just a little to the left. Yeah, that's it. Chalo, finally. Round two. Here we go. ठीक है, चलो दूसरी ट्रेन राइड में घुस जाते हैं, देखते हैं कहाँ लेके जाती है हमको ये ट्रेन। Kraken Hatchling gave you a stone. The Kraken Hatchling gave you a stone. Diener. Yeah, it's covered in algae. I was thinking we could show it to Brock and Sindri when we got back. Here. I think ये किसी तरह का stone है। इस तरह का stone तो हमारे पास था जिसमें हम एक realm में ही Anivador के through transfer कर सकते हैं अपने आप को। Transfer क्या कर सकते हैं? Travel कर सकते थे। एक मिनट, कुछ हुआ? कुछ हुआ? Oops. कुछ तो दिक्कत है। कुछ तो दिक्कत है। ओ भाई। बहुत तेज जा रहे हैं हम लोग। अबे अबे बहुत तेज जा रहे हैं हम लोग। अबे मार, अबे 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 ट्रेन स्टॉप करो। अबे तेरी की, उस तेरी की। ओबे, ओबे, अबे रुको बे। बैठ गए, उल्टा लेटे हैं, क्या हो गया? ओ ओ, ओ ओ, ओबे, ओबे, ओबे। ठीक है तो ये ट्रोल है दूसरी तरह का, चलो ठीक है। ओ भाई ये कहाँ गए हम? अबे ठीक है, ये एनिमीज बहुत खराब है जो फेंकते हैं, उड़ते हैं, मारते हैं।
रुको बे, उसका सर खोलने दो पहले। अबे ठीक है, इसकी मदद लेंगे। आओ आओ आओ, ठीक है हेल्थ तो उठा लेते पहले। ओके यहाँ तो कुछ भी, इसको नहीं खोल सकते तो बस एक्सेलवर 27 एक्सेलवर के लिए इतनी। ठीक है कोई बात नहीं, चलो खुद तेरी। ओ ओ, ओ, ओ। डिफेंड क्यों नहीं कर रहा है इससे? पहले मैं इसको निपटा दूं। लेटे रहो बेटा, चलो यहाँ देखते हैं पहले कुछ काम का मिल जाए तो। एक मिनट, एट्रेस वहाँ जा रहा है, इसका मतलब काम का यहाँ पे होगा। एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी रहती हैं जो ऑफकोर्स। ओके तो चलो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ कुछ छुपा हुआ है, यहाँ कुछ छुपा हुआ था। हाँ बस 45 एक्सेलवर छुपा। एक मिनट, इसको हम पकड़ सकते हैं क्या? घसीट लें इसको हम? नहीं नहीं पकड़ सकते क्योंकि रेलवे ट्रैक्स तो बने हुए हैं, इसकी मदद से हम यहाँ वापस जा सकते हैं। आई थिंक ऐसा कर सकते हैं हम। एक मिनट, यहाँ हमने नहीं देखा ना। हाँ इसको निपटा दूं पहले। कहाँ गया? अबे अरे आ जल्दी आ, मेरे पास समय नहीं है इतना। अबे जाते जाते थोड़ी हेल्थ ले गया, आराम ही पीसता। ओ भाई आई थिंक हम इसको चालू कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। कुछ ना कुछ मतलब तो होना चाहिए इसका वैसे। ओके तो हमने माइन को ही शुरुआत कर दी मैं आई थिंक। एक मिनट, यहाँ कहाँ जा रहे हैं? नीचे कुछ है, देख लेते हैं कुछ खास मिल जाए। वेट अ मिनट, ये किस तरह का स्क्रोल है, क्या है? है क्या? लोफिन हाइट्स विथ स्टोन, देयर इज समथिंग टू बी सेड फॉर क्रीपिंग अराउंड एट नाइट स्लिटिंग द थ्रोट्स ऑफ योर एनिमीज, इट्स क्वाइट इफेक्टिव। अरे भाई यार ये तो काफी क्रीपी चीज है। But enough about you. I'm talking about the whetstone. हमारी हेल्प पूरी होगी, स्पार्टन रिच पूरी होगी, चलो वापस चलते हैं अपनी क्वेस्ट पे। ओके देख लेते हैं, यहाँ पे तो हमने देखा ही नहीं अभी तक, ये क्या चीज है? कुछ भी नहीं है, हेल्थ है बस। यहाँ पे कुछ? हेलो हेलो, एनीथिंग समथिंग, एनीथिंग एट ऑल? कुछ नहीं है, चलो वापस चलते हैं। एक मिनट, इसका क्या काम है यहाँ पे? यहाँ से कूद के वहाँ जाने का काम है इसका, और कुछ नहीं। ओके
तो भाई हम लोग बड़ी वाली माइन में आ चुके हैं, तो तीन माइन तो हमने डिस्ट्रॉय कर दी हैं, अब हम बड़ी वाली माइन में हैं। एट्रियस भी आ गया अपना बंदा। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम लोग इस माइन को एक्सप्लोर करेंगे, इसको अभी काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया है हमने, और होपफुली हम इस माइन को अगले वीडियो में ही पूरा एक्सप्लोर कर डालेंगे। आज मैंने एक वीडियो डाला है, कल दोबारा मेरा वीडियो आ जाएगा। वैसे मैं दो तीन वीडियो आगे चल रहा हूँ, मैं दो तीन दिन के लिए वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया था, जस्ट टू क्रिएट अ बफर। इस तरह किसी तरह का ना वीडियो का बफर रहेगा, तो फ्यूचर में अगर इन केस मेरे को ज़्यादा काम हो जाता है, पर्सनल लाइफ में ज़्यादा काम हो जाता है, तो उसके बाद मैं उस काम को निपटा लूँगा। एक दिन मैं वीडियो गेम नहीं खेलूँगा, एक दिन में मैं दो एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हर एक एपिसोड एक एक घंटे का होगा, ठीक है ना। तो होपफुली तुम लोग को आइडिया लग गया होगा। हाँ, मैंने बोला था मैं रोज़ लाइव स्ट्रीम करूँगा 10 से 12, लेकिन वो फिजिबल नहीं बन पा रहा है भाई। सुबह मैं रोज़ लेट उठ रहा हूँ क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही है, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और रात को मैं जल्दी सो रहा हूँ क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, लेकिन मैं उठ पा नहीं रहा हूँ, तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जा रहा था। तो मैंने ना जैसे आज मैंने सुबह 6 बजे तक काम किया, उसके बाद मैं सो गया था, और फिर मैं 12 बजे दोपहर को उठा हूँ, और मैं तब दोपहर को 2-2:30 बजे से मैं वीडियो ही बना रहा हूँ, 2 वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिए। तो ये सीन चल रहा है मेरी लाइफ में अभी, और थैंक गॉड कोई जज नहीं कर रहा है मुझको मेरे घर में जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ, थैंक गॉड। वरना मैंने मुझे पता है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को बोलते हैं नहीं बेटा 9 बजे सोना है तो सोना है, भले ही तुम्हारे, उनकी भी बात सही होती है, देखो ऐसे नहीं होते, उनकी भी बात सही होती है, इनको पहले निपटाते हैं, चलो उनकी भी बात सही होती है, क्योंकि हेल्थ काफ़ी बिगड़ तो रही है, मेरी ईटिंग हैबिट्स भी काफ़ी बिगड़ गई हैं, देख रहे होगे मोटा तो मैं अच्छा खासा हो ही गया हूँ, पहले मैं मोटा बिल्कुल नहीं था। हाँ छोड़ो हटाओ, इसमें बाद में देखा जाएगा, तो वही चीज़ है, लेकिन अब क्या करें यार, काम है तो करना पड़ेगा, और गेम भी खेलता ही रहता हूँ मैं, सुबह उठ के गेम खेलूँ इससे अच्छा है दोपहर को गेम खेलूँ, और रात को देर तक जाग के काम कर लेता हूँ, वही मेरी आदत बनी हुई है कॉलेज से। तो यार इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तुम लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो बताना कि क्या दिक्कत है, उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और होपफुली तुम लोग मुझे लाइव स्ट्रीम, मेरी फ्यूचर में जो लाइव स्ट्रीम में आएंगी, हाँ हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, फ्यूचर में भी लाइव स्ट्रीम करेंगे, जब हम कोई पीसी गेम खेलेंगे, रेड डेड रिडेम्पशन मैंने डाउनलोड कर रखा है, जब उसको खेलेंगे लाइव स्ट्रीम के थ्रू ही खेलेंगे। PS5 में खेल रहा हूँ तो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि लाइव स्ट्रीम 4K में अवेलेबल नहीं है PS5 में। तो होपफुली तुम लोग को यार अच्छा लगा होगा, और नहीं अच्छा लगा हो तो बता दो क्या नहीं अच्छा लगा है, उसको होपफुली हम करेक्ट करेंगे आगे वाली वीडियोज़ में, और आई होप तुम लोग मुझको इसी तरह वीडियोज़ में आगे भी ज्वाइन करोगे, और हम रैग्नारॉक को कंप्लीट करेंगे, और एक एक घंटे की लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो होपफुली ये जो पूरी सीरीज़ है आई थिंक 30 से 35 एपिसोड पे जाएगी, ठीक है ना। तो यार थैंक यू, तुम लोग को गुड नाइट या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी देख रहे हो तुम लोग को गुड लगा लेना अपने आप से, और अपने गोल्स पे काम करते रहना, गोल्स पे काम करना, इन्जॉयमेंट के लिए थोड़ा सा मैं अपने लिए ज़रूर निकालना, और फ्यूचर में कभी हम साथ में खेलने का मौका मिलेगा तो वो भी ज़रूर करेंगे। चलो बाय, टेक केयर।